वालों ने सारा ब्लैक बेल्ट लेके लाके इनकी दज्जे उड़ा के रख दिया। इन्होंने गोली चलाई नहीं, इनके चाइना के वो ब्लैक बेल्ट वो कमांडोज वगैरह आ गया, दज्जे उड़ा के चला गया। ये गलवान, गलवान कितना कितना बड़ा एरिया है ये गलवान एरिया? ये बहुत बड़ा एरिया है यार, 135 किलोमीटर ये अंदर आ चुका है। तो अब अंदाजा लगा क्या ये मारेगा यार, ये चाइनीज फौज 135 किलोमीटर अंदर आ गया हमारा एरिया में। हाँ, अगर वो अगर इनमें ताकत होता तो वो पहले मारने से पहले उनको 135 किलोमीटर आने नहीं देता। उन्होंने मार मार के 135 किलोमीटर इससे इनको भगाया है यार। तब ये चाइनीज और चाइना वाले 135 किलोमीटर अंदर पहुंचा है कसम से। अब कितने लोग, अब कितने फौजी मर गए वहां? देखो निसार, ये एग्जैक्ट फिगर दे नहीं रहा, लेकिन मरा बहुत है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा मरा है। अभी तक ये 20 बोलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कम से कम 200-250 लोग इनके मर चुके हैं। भाई गॉड। अच्छा मुझे ये बताओ, फायरिंग वायरिंग हुआ नहीं? अबे फायरिंग क्या, वो तो सामने आके पहले मारते हैं, इसके बाद जमीन पे लेटाते हैं, इसके बाद गोली मारते जाते हैं। कसम से, अबे उनको पहले गोली मारने की जरूरत नहीं है यार, पहले वो हाथ पैर से मारते हैं ना, वो तो हाथ उनका तो गोली से भी तेज है ना हाथ पैर। हाँ वो है ना उनको ताइकांडो पाइकांडो। अच्छा उनका कोई मरा नहीं है वैसे? मत उनका भी मैंने सुना है कुछ जख्मी हुआ है, मरा नहीं है। अच्छा, ये तो बोलते 135 लोग मारे, 60 मारे, खाक मारे। अच्छा अब वो गलवान वैली उन्होंने पूरा चपका लिया है, चिपका लिया। और वो जो लेक थी वो क्या, पेंगुइन लेक, वो भी पेंगुइन लेक के नजदीक पहुंचा हुआ है। ये हमारा पहला डेमोन्स्ट्रेशन है, पहला डेमोन्स्ट्रेशन है। हम नहीं चाहते हैं इस पेंडेमिक में हम डेमोन्स्ट्रेट करें, लेकिन हम मजबूर हैं। आज हम अपने देश को तोड़ते हुए आवाज को सुन के हम चुप नहीं बैठ सकते। आज नेशनल सेंटिमेंट को हार्ट हो रहा है, कांग्रेस पार्टी दिल्ली से इसका जवाब दे, राहुल गांधी इसका जवाब दे, कारगिल के कांग्रेस इसको जवाब दे, और लेके कांग्रेस क्यों चुप है आज? यूनियन टेरिटरी के कांग्रेस, टेरिटोरियल कांग्रेस आज चुप क्यों चुप है? ये हमारा केवल नेशनल सेंटिमेंट नहीं, हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट हार्ट होता है, हमारा कम्युनल हार्मोनी हार्ट होता है। यहां पे जिन्होंने कारगिल वार में, कारगिल मेरा भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कारगिल में बहुत सारे देशभक्त लोग बैठे हैं, देश के हित में सोचने वाले कारगिल पूरा बैठे हैं। 99 वार में कारगिल के सिविलियन ने जो कंट्रीब्यूशन दिया, लेके सिविलियन ने जो कंट्रीब्यूशन दिया, आज ये आदमी उस साफ पे पानी फेरने के जो कोशिश कर रहा है, पूरे कारगिल को बदनाम करने की कोशिश ये कर रहा है। और कारगिल के काउंसिल चुप है, कारगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप है, कारगिल के कांग्रेस चुप है, सब उसको बचाने की कोशिश कर रहा है।